आज मैं आप लोगों को बाल कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है सुनहरे दांत वाला हाथी। किसी जंगल में एक हाथी रहता था जो बहुत बड़ा, लंबी सूंड तथा सोने के लंबे मोटे दांतों वाला था। उसके पैर खंभे के समान मोटे मोटे थे। जब वह चिघाड़ता था तब सारा जंगल गूंज उठता था। झुंड के सभी जानवर उसे गजराज कहते थे। वह सभी से बहुत प्यार करता था। वह संग कष्ट उठा लेता था लेकिन किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था। एक बार बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा। सभी जंगल को छोड़कर इधर उधर जाने लगा। गजराज भी दुखी मन से जंगल से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसे पानी पीकर आसपास देखा। उसे कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह कुछ खाने की तलाश में झोपड़ी की ओर चल दिया। उस झोपड़ी में एक महिला अपनी दो पुत्रियों के साथ रहती थी। गजराज खिड़की के पास से उनकी बातें सुनने लगा। वो ये तीनों बहुत गरीब थी और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताता। गजराज ने सोचा कि उसे अपने दांत का छोटा सा हिस्सा दे दिया जाए। तब गजराज ने झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर जोर से चिंघाड़ मारी। चिंघाड़ सुनकर महिला बाहर आई। उसे लगा कि यह भोजन मांगने आया है। उसने गजराज से कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तभी गजराज ने अपने दांत का छोटा हिस्सा तोड़कर महिला को दे दिया। यह देखकर दोनों बेटियां हैरान रह गई। महिला ने भी हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार किया और गजराज को धन्यवाद दिया। सोने का दांत पाकर महिला के दिन बदल गए। उनका जीवन सुखमय हो गया। एक दिन खाने के दौरान उनकी बेटी ने कहा, अगर गजराज हम एक दांत और दे जाए तो हम और धनी हो जाएंगे। महिला गजराज के पास गई और अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। गजराज को उस पर दया आ गई और उसने दांत का और थोड़ा हिस्सा तोड़कर महिला को दे दिया। दांत पाकर वह महिला और धनी हो गई। उसकी गिनती गांव के धनी लोगों में होने लगी। ये दोनों बहुत खुश थी लेकिन उनके मन में लालच आ गया। लालच में चूर होकर फिर महिला गजराज के पास गई। उसने गजराज से कहा, ये दांत आपके किसी काम के नहीं हैं। इन्हें मुझे दे दे, इससे मैं और धनी हो जाऊंगी।